मेरा काम है अपने देश की जनता को तेज करना, मैनिपुलेट होने से बचाना, ये काम मैं करता रहूँगा। आप वीडियो देखते रहिएगा, जब भी मैं वीडियो डालूँ आप डेली डेली मेरी वीडियो देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मोबाइल फ़ोन चलाते ज़रूर हैं आप, आपके मोबाइल फ़ोन में 70% प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आप घर पर खुद से ठीक कर सकते हैं, किसी भी दुकान वाले की शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको बताने वाला हूँ चार्जर से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें आपको, कि आपको कैसे पहचानना कि ओरिजिनल चार्जर और लोकल चार्जर कैसा होता है। देखिए, काफ़ी दुकान वाले ना धोखा करते हैं आपके साथ कि आपको ओरिजिनल चार्जर बताएंगे, कहेंगे कि ये ओरिजिनल चार्जर है, मगर आपको वो लोकल चार्जर चिपका देंगे ओरिजिनल कह के, और कोई 600 में बेच देता है, कोई 1000 रुपये का बेचता है। इनफैक्ट मैंने है ना ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो 1500-1500 रुपये में चार्जर बेच देते हैं भाई साहब, सेट चार्जर का नाम ओरिजिनल दिखा कर। ठीक है, छापने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, छापने को तो कोई भी कुछ छाप देगा, इसमें फैक्ट्रियों में छपते हैं ये। अब इन चार्जर को पहचानेंगे कैसे? आप दुकान पर जाएंगे ना तो आपको बोलेगा, अरे भाई ओरिजिनल एमआई का है, इतने का ही है, गारंटी है 6 महीने की, और 6 महीने गारंटी देंगे। उसके बाद आपका फ़ोन अगर स्लो चार्ज होगा ना तो फिर वो बाद में आप आओगे 2-3 दिन बाद उसके बाद दुकान वाले के पास के, भाई ये तो स्लो चार्ज कर रहा था, वो कहेगा भाई इससे दिक्कत नहीं है, तुम्हारे फ़ोन में दिक्कत है। वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं रहेगा, आपको फिर से बदल के दे देगा। भाई वो तो अपनी दुकान में बैठा रहा, मगर आप काम छोड़ छोड़ के उसके पास जाते रहोगे, वो 6 महीने तक चेंज करता रहेगा, उसके बाद चेंज भी नहीं करेगा। तो आज आपको एक ऐसी बात बता देता हूँ, चार्जर को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ओरिजिनल चार्जर कैसा होता है, लोकल चार्जर कैसा होता है। देखिए, देखने में तो सेम होता है, और बताने वाले भी यूट्यूब पर इतने बड़े बड़े महारथी हैं, ये बताते हैं कि ओरिजिनल चार्जर में ये लिखा होगा, लोकल में ये लिख, भाई छापने को तो कुछ भी छाप दोगे, बंदे नोट छापने वाले तो नोट छाप देते हैं यार, तो उसमें कैसे पहचानेंगे। आज देखिए आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, मैं मोबाइल रिपेयर वाला खुद हूँ भाई, आपका भाई खुद से मोबाइल रिपेयर करता है, तो आज आपको एक बढ़िया नॉलेज दे के जाऊँगा इस वीडियो में, बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो, और अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर करना, रिपेयर वालों की जलानी है अच्छे तरीके से। ये बंदे बड़े गालियाँ दे रहे हैं, एक भाई ने तो मुझे आज ऐसी बात कही कि भाई तेरी औकात इतनी है कि तू सिर्फ स्पीकर ठीक स्पीकर की जाली साफ करके कर सकता है, और कुछ तेरे को आता नहीं है। तो दोस्तों ये बात बता देता हूँ, ये उनको भी नहीं पता होगी, और इस वीडियो को है ना मोबाइल रिपेयरिंग वाले भी देख के कहेंगे कि हाँ यार बंदे ने बात पते की बताई है। आज देखना आपको मैं खुल के बताता हूँ भाई साहब, हिंदुस्तान के लोगों को इतना जागरूक कर दूंगा कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अब देखिए इनमें चार्जर को ओरिजिनल कैसे पहचानना, लोकल कैसे पहचानना, जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, एक चिम्बक ले लीजिए मैग्नेट, ये रही मैग्नेट, ये स्पीकर में निकलती है मैग्नेट, या कोई सी भी मैग्नेट ले लीजिए, वो अलमारी में नहीं चिपकाते थे हम बचपन में काली वाली, वैसी मैग्नेट ले लीजिए, या कैसी भी है कि आपको मैग्नेट लेनी है, बस एक मैग्नेट लेके आप देखिए, कोई भी बंदा आपको कहे ना कि भाई ये ओरिजिनल चार्जर है, आप देखिए एमआई का है ये, है ना, एमआई लिखा है ना इस पर, आप लिखे हुए पे मत जाना, इसके जो ये दो पॉइंट है ना इनको देखिए मैग्नेट से, मैं आपको चिपका कर दिखाता हूँ। देखिए ये रहा, अब देखिए चिपक गया, और ये चार्जर इसके साथ उठने के लिए तैयार है, देखिए उठ गया, तो ये ओरिजिनल चार्जर नहीं है भाई, लोकल चार्जर है, क्योंकि ओरिजिनल जो चार्जर होता है ना उसमें कॉपर लगा होता है, कॉपर निकल लगा होता है, जो कि मैग्नेट के संपर्क में आने से वो चिपकेगा नहीं, कॉपर और निकल, ठीक है। और ओरिजिनल चार्जर जो होते हैं ना भाई, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वही बना सकती हैं, लोकल फैक्ट्रियों में कभी कॉपर यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो इतना खर्चा नहीं करते, 10-12 रुपये के चार्जर होते हैं लोकल वाले होलसेल रेट में, तो जो लोकल फैक्ट्री वाले होते हैं ना वो कभी कॉपर नहीं लगाएंगे, इतना खर्चा नहीं करते वो अपने चार्जरों में, उनको मार्केट में सिर्फ अपना नाम एक फ्रॉड वाला काम करके चार्जर बेचने होते हैं और पैसा कमाना होता है जल्दी। तो देखिए ये इसमें ये मैग्नेट से चिपक जाएगा, अब देखिए एक ये एक और नया चार्जर है मार्केट में आया है, 60 रुपये का है ये अडेप्टर इसका, इसको भी चेक करते हैं, ये देखिए ये भी चिपक गया। ये बात है ना कोई बताएगा नहीं भाई आपको इंटरनेट पे, ये मेरी खुद की इन्वेंशन की हुई है ये चीज़, ये देखो ये चिपक गया, ये लोहा है, और भाई लोहा है ना आपके फ़ोन के लिए नुकसानदेह रहेगा, ये ध्यान रखना, आपकी बैटरी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चार्जिंग आईसी होती है ना उसमें भी इफ़ेक्ट करेगा, उसको भी प्रॉब्लम करेगा, उसको गर्म कर देगा, ये आपका फ़ोन गर्म होने लगेगा। आप अक्सर कमेंट करके मुझसे पूछते रहते हो, तो दोस्तों मेरा बताना बहुत ज़रूरी था, ये चीज़ मैं मार्केट से ख़रीद के लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए, लोकल जो लोकल चार्जर होते हैं के आर ये होते हैं, मैं असल में सही बताऊँ तो मैं बेचता नहीं हूँ, क्योंकि इससे जो है कस्टमर का भरोसा टूटता है, अगर मैं लोकल चार्जर बेचने लगूँ ना तो उससे कस्टमर का भरोसा टूटता है कि यार भले ही तुमने 100 रुपये ले लिया मगर यार धोखा कर दिया, सही चार्जर दे देते, तो इसलिए मैं बेचता नहीं, ये मैं आपके लिए ख़रीद के लेके आया हूँ दोस्तों। देखिए अब मैं बताता हूँ ओरिजिनल चार्जर इनमें कौन सा है, ओरिजिनल चार्जर ये है रिफर्बिश वाला, ये भी मार्केट में मिल जाते हैं, ये ओरिजिनल चार्जर है, लिखे हुए पर कभी मत जाना भाई,
आप बस इसके इस पे चेक कीजिए। आप देखिए मैग्नेट से बिल्कुल भी कोई वो नहीं करेगा, देखो ये मैग्नेट इस पे चिपकेगी ही नहीं, ये देखो ये चिपकेगी ही नहीं इस पे, ये देख रहे हैं आप, ये हिला भी नहीं सकता इस चार्जर को, ये मैग्नेट इस चार्जर को हिला भी नहीं पाएगी। तो इससे पता चला कि ये जो कॉपर और निकल के बने हुए हैं ना, ये ओरिजिनल ओरिजिनल जो कंपनियां होती है ना वही बना सकती हैं इसको, क्योंकि उनका बजट होता है बहुत ज़्यादा, करोड़ों और वो खरबों रुपए की कंपनियां होती है भाई, वो लोकल चीज़ बना नहीं सकती अपने फ़ोन के लिए, वो अपने फ़ोन के लिए अच्छी चीज़ ही बनाएंगी। तो कभी भी आप चार्जर ख़रीदें तो ये चीज़ चेक कर लेना, जल जाएगी भाई मोबाइल वालों की ये चीज़ देख के, ये वीडियो देख कर वो खुद परेशान हो जाएंगे कि यार बंदे ने बता के दिए ऐसी बात। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। काफ़ी भाई मुझे कमेंट करते हैं, भाई हज़ारों कमेंट आ रखे हैं कि सर चार्जर कैसे पहचाने, दुकान पे जाते वक्त कैसे हमको ख़रीदना है, ये देखिए ये लोहा है ना चिपक जाएगा इससे मैगनेट से, ये चार्जर भी लोकल है और ये वाला चार्जर भी लोकल है, ये बीच वाला ओरिजिनल है ना, ये रिफर्बिश वाला है, रिफर्बिश चार्जर जो होते हैं ना ओरिजिनल चार्जरों को थोड़ा बहुत ठीक करके मार्केट में बेच देते हैं, तो वो ये चीज़ चेंज नहीं करते इसकी, बाकी अंदर कोई ख़राबी होती है उसे थोड़ी बहुत ठीक करके मार्केट में उतार देते हैं। तो ये आपको देख कर लेना दोस्तों, ध्यान रखना, और कोई भी बंदा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे ना कि भाई मेरा ये 3 एम्पियर का 4 एम्पियर का सबसे बढ़िया चार्जर ओरिजिनल चार्जर है, बस मैग्नेट लगाना उसके सामने, अगर ये दिख जाए ना तो बोल देना भाई 2 रुपये का खर्चा कर रखा है इसके पिन के ऊपर, 2 रुपये की पिन लग जाती है फैक्ट्रियों में, तो 2 रुपये के चक्कर में ओरिजिनल चार्जर बता रहा है, तो बता देना कि आपके बिट्टू भाई ने बताई ये चीज़, ये करके दिखाओ। और किसी भी आपका देखिए आप भी इसमें खुद से ट्राई कर सकते हैं, आपके घर में जो फ़ोन नया फ़ोन आपने ख़रीदा हो कोई भी, उसके साथ ओरिजिनल चार्जर आया होगा ना, तो आप उसको लगा कर देखना, तो वो ऐसे ही काम करेगा। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों एक और ओरिजिनल चार्जर है मेरे पास, देखिए ये है नोकिया की पतली पिन का चार्जर है मेरे पास, काफ़ी पुराना रखा है, ये ओरिजिनल चार्जर है सेट के साथ का, ठीक है। अब मैं देखो, हाँ नोकिया का है, देखिए नोकिया लिखा है ना, अब देखो इसको चिपका कर देखते हैं, ये भी नहीं चिपकेगा भाई क्योंकि ये ओरिजिनल है, और ओरिजिनल कभी भी होगा ना तो वो चिपकेगा नहीं मैग्नेट से बिल्कुल भी, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा भाई। देखो मैं आपको ना रख के दिखा देता हूँ, तो मोबाइल रिपेयर वालों को मैं कहना चाहूँगा भाई आप कभी भी है ना किसी के साथ ऐसे धोखा ना करें, सस्ते के चक्कर में ये 20-30 रुपये के अडेप्टर ख़रीद के ले आते हैं, उसके बाद कस्टमर को लगा देते हैं 300-300 रुपये के, कि 300 रुपये का है 6 महीने की गारंटी, भाई ऐसा ना करें, किसी को बेवकूफ़ ना बनाएं भाई, अगर पैसे लें 300 रुपये तो 300 रुपये में तो भाई साहब ओरिजिनल मिल जाएगा, रिफर्बिश वाला जो चार्जर होता है ना वही 60-70 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाता है आराम से, करोल बाग से मिल जाएगा आपको 60-70 रुपये वाला लेके, ये ओरिजिनली होते हैं, ठीक है आप ऐसे चेक कर लीजिएगा, बस ये मैग्नेट से चिपके ना, उसके बाद ये चार्जर आपके बिंदास काम करेंगे, आपके फ़ोन को चार्ज करेंगे ना, तो आपके फ़ोन को गर्म करेंगे बिल्कुल भी गर्म नहीं करेंगे, और ये जो चार्जर होंगे ना भाई साहब आप कितने महंगे ले लो, अगर इनकी ये चिपकते हो ना इसमें तो मत लगाना भाई साहब, लोकल जो लोहा होता है ना इसमें जंग भी जल्दी लगेगा, और ये स्पार्क करते करते है ना ये जब बिजली में लगाएंगे ना हम, तो लोहा जो होता है ना स्पार्क करता है, फिर ये आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर स्पार्किंग शुरू कर देंगे आपके चार्जिंग आईसी में, और वो गर्म होने लग जाएगी, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आई कैसे। और भी एक चार्जर मेरे पास रखा देखिए रिफर्बिश वाला, ये है सैमसंग का, इसको भी देखते हैं, इसको भी चेक करके देखते हैं, देखिए ये भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं चिपकेगा क्योंकि ये ओरिजिनल है, ठीक है ओरिजिनल जो चार्जर होगा ना ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, देखो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा क्योंकि ये कॉपर होता है निकल होता है ओरिजिनल होती है पिने जो होती है, कंपनी वाले खर्चा करते हैं अपने माल में भाई, नाम लिखने से कुछ नहीं होता, गधे पे घोड़ा लिख देंगे तो घोड़ा नहीं बन जाएगा वो, मैंने सोचा आपको बताई जाए ये बात, कोई बता नहीं रहा इंटरनेट पे यार ऐसी ऐसी बातें, देखो चीज़ों को पहचानने की कला आनी चाहिए आपको, ताकि आप बेवकूफ़ ना बने, आपको कोई पागल ना बना पाए, मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ही है, वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि हिंदुस्तान की जनता को तेज़ करूँ, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, आप जब भी आपको कोई भी अगर परेशानी पेश आए ना तो आप अपने बिट्टू भाई का चैनल खोल के आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको हज़ारों कमेंट का डेली जवाब देता हूँ भाई साहब, अभी रात को जाऊँगा दुकान बंद करके डेली आपकी कमेंट का जवाब देता रहता हूँ मैं, तो आप बेझिझक पूछिए कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कैसे लगी दोस्तों कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं, आप भी अच्छे अच्छे दोस्त हो मेरे, हेटर भी बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट वो कम से कम देखते तो हैं मेरी वीडियोज़, मोबाइल रिपेयर वाले तो करते ही हैं मुझे डिसलाइक, वो कोई बात नहीं, वो उनके विचारों की मजबूरी है, उनको लगता है कि भाई आराम से कमाना चाहिए, हराम खा के ही काम चलता है, भाई ऐसा नहीं होता,
आप कस्टमर को बता दीजिए कि भैया लोकल चार्जर है, 100 रुपये का है, अपनी गारंटी भी ले लीजिए मुझसे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके फ़ोन में तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लोकल चार्जर है। तो आप बता कर देंगे तो कस्टमर वो समझ जाएगा कि उसको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो दोस्तों बता देता हूँ, ये ऐसे वाले चार्जर बिल्कुल मत खरीदना, आपका फ़ोन भी फट सकता है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। आपकी बैटरियाँ फूल जाएंगी अगर ये लोकल चार्जर आप खरीदेंगे तो। इस तरीके से जो तरीका मैंने बताया ना आपको, इस तरीके से चेक करके लेना अपने फ़ोन के लिए चार्जर। देखिए फ़ोन के लिए चार्जर बहुत ज़रूरी होता है, एक मेन पार्ट अदा करता है एक फ़ोन के लिए उसका चार्जर। चार्जर ही ख़राब होगा ना भाई साहब तो आपके फ़ोन की लंका लग जाने वाली है। तो इसलिए चार्जर को देख के खरीदिएगा, और जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से खरीदेंगे तो कभी भी आपके मोबाइल फ़ोन में दिक्कत नहीं आएगी, ना तो आपकी बैटरी फूलेगी, ना फिर ना आपका फ़ोन कभी गर्म होगा, ना आपके फ़ोन की चार्जिंग ऐसी ख़राब होगी, ना जैक ख़राब होगा, ठीक है। जैक भी जो जल जाते हैं ना, ख़राब होते हैं जैक, चार्जिंग जैक भी ख़राब हो जाते हैं, वो इन्हीं की वजह से होते हैं, लोकलों की वजह से। पहचानना मैंने आपको बता ही दिया। और भाई यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, किसी मोबाइल रिपेयरिंग वाले ने बोला है ऐसा कि भाई तू जितना समझा सकता समझा ले, मगर कस्टमर हमारे पास जब भी आएगा ना उसे बढ़िया तरीके से काटेंगे, तू कर लियो तेरे से जो होता है। कह रहा कि इस तरीके से समझा रहा है तू समझा ले, हमारे पेट पर लात मार रहा है। तो उन्होंने बड़ी गालियाँ भी दी हैं। तो कोई बात नहीं भाई, वो आपके संस्कार हैं, कोई बात नहीं। आपने जो चीज़ बचपन में सीखी होगी वही तो बड़े में करोगे। और मेरी ऑडियंस भी आपको अच्छा जवाब दे देती है, मेरी ऑडियंस में से भी कुछ भाई ने अच्छा जवाब दिया उनको कि सर ये तो ऐसे ही है, इन्हें बोलने दीजिए। कोई बात नहीं, उनको बोलने देते हैं। देखिए मैं अपना काम करूँगा, मेरा काम है अपने देश की जनता को तेज़ करना, मैनिपुलेट होने से बचाना, ये काम मैं करता रहूँगा। आप वीडियो देखते रहिएगा, जब भी मैं वीडियो डालूँ आप डेली मेरी वीडियो देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मोबाइल फ़ोन चलाते ज़रूर हैं आप, आपके मोबाइल फ़ोन में 70% प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आप घर पर खुद से ठीक कर सकते हैं, किसी भी दुकान वाले की शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी आप किसी दुकान पर चले जाते हो। वो इसलिए चले जाते हो भाई क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए और आपके पैसे खींचने के लिए ना मगरमच्छ की तरह मुँह खोल के बैठे होते हैं बहुत सारे लोग, उनसे बचाना मेरा कर्तव्य बनता है क्योंकि मैंने ये काम सीख रखा है। तो आपको मैं बताऊँगा दोस्तों, 18 साल की नॉलेज है पूरी, आपको शेयर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, उनको बोलने दीजिए जो गलत बोल रहे हैं कि काटेंगे, मगर ऐसे अल्फाज ना बोलें। मैं बोलना चाहूँगा ऐसे भाइयों को कि ऐसे अल्फाज ना यूज़ करें कि मैं कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं तो काटूँगा, तो उस तू समझा ले जितना समझा सकता है। तो भाई ऐसा ना करें, ऐसे नहीं बोलते किसी को, अपने ही देश के लोगों को काटेंगे क्या, गलत है भाई, ऐसे नहीं लूटना, लूटना गलत बात हो जाएगी। कह के आप बता दीजिए कि मेरे पास लोकल चार्जर है, ये इतने का है, ओरिजिनल चार्जर इतने का है। ओरिजिनल अगर आप बोलें तो ओरिजिनल ही दें कस्टमर को, आप लोकल को ओरिजिनल बताने की कोशिश ना करें, उससे कस्टमर का एक भरोसा भी टूटता है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए जो ऐसी ऐसी बातें मुझे बोलते हैं, उनका भी कमेंट करके बताना भाई। और आप देख लेना, आप संभाल लेना, कोई भी अगर कुछ बोलता है तो आप जवाब अच्छा दे सकते हो, मुझसे ज़्यादा अच्छा जवाब मेरी ऑडियंस दे सकती है, मैंने ये फाइंड किया है। क्योंकि कोई भाई अगर कोई बंदा मेरे बारे में कुछ कहता है ना तो ऑडियंस उसका अच्छी तरीके से जवाब देती है, तो मुझे वो जवाब मुझे भी नहीं आता बोलना, मगर वो ऑडियंस में से कुछ ऐसे बंदे ऐसे जवाब दे देते हैं कि अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो थोड़े बहुत कुछ सीख रहे हैं लोग बाग। तो ठीक है दोस्तों, आपको आप बता देना, लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर नए मेहमान है तो आपको डेली ऐसी चीज़ें मैं बताता रहूँगा जो कि आपको फ़ायदा देंगी, और आपके पैसे ऐसे ही मैं आपके बचाता रहूँगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए, और जय हिंद जय भारत भाई।